राग मारू गुरमत संगीत का 21वां राग है अते अंग 999 तो आरंभ हुंदा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा राग मारू विच 3 शब्दों की बख्शिश की गई है जो कि अंग 1008 ते दर्ज हैं। राग मारू गुरमत संगीत पद्धति का बड़ा खास बड़ा विलक्षण राग है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विच जां होर किसे संगीत पद्धति विच प्राप्त नहीं हुंदा। आओ इस राग दे नादात्मक स्वरूप बारे गल करिए। राग मारू विच दोवें मध्यम दोवें धैवत अते दोवें निषाद का प्रयोग किया जाता है। आरोह विच ऋषभ सुर नूं वर्जित किया जाता है अते अवरोह विच ये सारे स्वर जड़े ने वह नज़र आते हैं। इस राग का थाट विद्वाना ने संगीतकारा ने खमाज मन्या है। इस राग का वाद्य स्वर गंधार अते संवादी शुद्ध निषाद मन्ने जाते हैं। समा दिन का तीसरा पहर है इस राग का निर्धारित किया गया। आओ आरोह अवरोह पकड़ बारे जानिए। सा सा गा मा पा धा नी सा मुख अंग जा पकड़ इस प्रकार है जी। पानी दा पा मा पदानी दा पा पदा पगा मागा इस प्रकार गुरमत संगीत दे इस मारू राग विच सुरां दे वख-वख रूप प्रयोग हुंदे हन जो एक कंट्रास्ट भी पैदा करदे हन, परंतु इस कंट्रास्ट विच ही इस राग दी खूबसूरती छिपी हुई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विच बहुत प्रचलित राग खमाज जो कि मारू राग दा थाट भी खमाज ही है, असीं पहलां भी गल कीती है, परंतु इस राग खमाज नाल भी मारू राग का स्वरूप काफ़ी मिलता है। आरोह तो लगभग सारा ही मिलता है। सा गा मा पा धा नी सा नी दा पा इत्थों तक, परंतु जदों मा पा धा नी दा पा ये स्वर संगति लग जाती है राग खमाज विच तां ओ खमाज ना रह के मारू बन जाता है। आओ राग मारू दे होर सुरां बारे होर सुरावलियां बारे जानकारी लईए। सा गा मा गा रे सा गा मा पा ना पा मा गा मा पा धा नी सा नी दा पा धा नी सा रे नी दा पा मा पा धा नी दा पा मा गा गा मा पा धा नी सा नी सा नी दा पा मा पा धा नी धा पा धा
पागा मागा रे सा गा मा पा। इस प्रकार राग मारू दा अपना बड़ा खूबसूरत निवेकला स्वरूप बनता है जी।